उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव में महज कुछ ही दिनों का वक्त बचा है। तमाम राजनीतिक दलों के पास मुद्दे भी कई हैं और एक दूसरे पर निशाने साधने के लिए भी कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर वो लगातार एक दूसरे पर वार कर रहे हैं। लेकिन कभी उत्तराखंड की राजनीति का सबसे हॉट मुद्दा रहा गैरसैंण, अब हर दल के लिए गैर हो गया है। जी हां, उत्तराखंड के चुनावी माहौल के बीच कोई भी सियासी दल इस बार गैरसैंण की बात नहीं कर रहा। देखिए रिपोर्ट। वैसे उत्तराखंड में इन दिनों सियासी हलचल काफी तेज नजर आ रही है। सभी पार्टियों के पास अपने अपने कई मुद्दे भी हैं और दूसरी पार्टी पर वार करने के मौके भी। लेकिन यहां हमेशा से जन भावनाओं से जुड़ा मुद्दा रहा गैरसैंण, जो इस विधानसभा चुनाव में कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा। यानी ये मुद्दा इस बार चुनाव से बाहर हो गया। शायद इस बार सियासी दलों को गैरसैंण याद नहीं है, जबकि इससे पहले सभी राजनीतिक दलों ने गैरसैंण के नाम पर चुनावों के दौरान खूब बड़ी बड़ी बातें कर खूब वोट बटोरने का काम किया। लेकिन आज ये मुद्दा सभी के लिए गैर हो गया, क्योंकि सूबे में चुनावी माहौल में कोई भी सियासी दल गैरसैंण की बात तक नहीं कर रहा। वैसे बीजेपी ने गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी जरूर बनाया, लेकिन स्थायी राजधानी के नाम पर आज भी बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही चुप्पी साधे हुए हैं। वैसे 2012 के चुनाव की बात करें तो तब कांग्रेस ने गैरसैंण को लेकर बड़े बड़े वादे किए थे, लेकिन इस चुनाव में कांग्रेस इस पर पूरी तरह से शांत नजर आ रही है। तो बीजेपी अब भी ये दावा करते नहीं थक रही कि गैरसैंण को लेकर पार्टी ने 2017 में जो वादा किया था वो पूरा कर दिया और गैरसैंण का विकास आगे भी जारी रहेगा। तो वहीं कांग्रेस भी वादे करने में पीछे नहीं है। वो ये कह रही है कि चुनावी घोषणा पत्र में गैरसैंण को लेकर बड़ा वादा किया जाएगा और पार्टी गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाएगी, जबकि इससे पहले भी 2012 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाने का वादा तो जरूर किया था, लेकिन 5 साल तक सत्ता संभालने के बाद भी कांग्रेस गैरसैंण को स्थायी राजधानी नहीं बना पाई थी। हालांकि गैरसैंण में विधान भवन के निर्माण का श्रेय कांग्रेस को जरूर जाता है, तो गैरसैंण में पहला विधानसभा सत्र भी कांग्रेस ने ही चलाया था। लेकिन बीजेपी की त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार ने गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित कर इस मामले में बढ़त बना ली और आज भी गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाने का मुद्दा अधर में लटका हुआ है और वक्त वक्त पर उसकी गूंज भी सुनाई देती ही रहती है। वही गैरसैंण के मुद्दे में UKD और आप भी कूद गई और दोनों पार्टियां अपने अलग ही दावे कर रही हैं। उनका कहना है कि अगर वो सत्ता में आती हैं तो फौरन ही गैरसैंण को स्थायी राजधानी बना देंगी। वैसे उत्तराखंड में गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाने की मांग कोई नई नहीं है, बल्कि लंबे वक्त से चली आ रही है। और ये बात भी सही है कि गैरसैंण को लेकर आज तक राजनीतिक दलों में एक राय नहीं बन पाई और अब सूबे में गैरसैंण राजनीतिक दलों के लिए सिर्फ वोट बैंक का सबसे हॉट मुद्दा बनकर रह गया। राज्य गठन से लेकर अब तक गैरसैंण के नाम पर बीजेपी और कांग्रेस ने खूब वोट बटोरे, लेकिन इस बार दोनों ही दलों के चुनावी एजेंडे से गैरसैंण बाहर होता नजर आ रहा है। तो ऐसे में क्या बिना गैरसैंण के इस बार इन पार्टियों की नैया लगेगी पार? ब्यूरो रिपोर्ट, R9 न्यूज।